नमस्कार दगड़ियों, मिचा निखिल उत्तराखंडी और ये वह जो आप एक घंटियों का आवाज सुनना चाहो ये छे ताड़केश्वर महादेवक। ये थे हम क्षेत्रवासी ये ताड़ासर महादेव भी बोल दो। और ये एक बहुत ही अच्छी और रमणीक स्थल पर ये मंदिर स्थित है। चाहे तो आप मंदिर देख सकते हो, कैमरामैन मंदिर आपको पूरा दिखा सकूँ। ये आप देखो पूर्व मंदिर दृश्य आपको दिखेणु या भक्तजन आना रही। अब मैं आपसे बताना चाहूँ छो कि आप कंजी यहाँ पहुँच सकते हो। जो यात्री दिल्ली बटे यहाँ खाना चाहिए, आप दिल्ली से सीधा कोटद्वार आओ। कोटद्वार से जो लैंसडाउन वाले मार्च बीच में एक छोटा स्कट है, जैसे आप ताड़केश्वर महादेव आ सकते हो। ये दिल्ली से ज़्यादा 270-280 किलोमीटर दूर है। और आपको पता चाहिए दिल्ली से कोटद्वार आना क्या है, ISBT कश्मीरी गेट और आजकल वो आप आनंद विहार शिफ्ट हुए बस अड्डा वो बैठे लगातार गाड़ी मिलना रही। एक बार आप कोटद्वार पहुंची चाहे तो आप अपर कैबक माध्यम से या लगातार गाड़ी लगे आ रही लैंसडाउन रूट वो बैठे आप गाड़ी ले सकते हो और ये स्थल पर पहुंच सकते हो। एक बार हम इन्हीं बता जा सकें कि बहुत ही लोकप्रिय स्थल छे, बहुत ही लोकप्रिय धार्मिक स्थल छे ये जगह। श्रद्धालु बहुत दूर दूर बैठे हैं। कोटद्वार देहरादून पूर्व उत्तराखंड जो गढ़वाल क्षेत्र है यहाँ लोग तो आंदे छे। ये जो बदलपुर वाले क्षेत्र छे यहाँ लोग भी आना रहेंगे। ये के अलावा जो और श्रद्धालु छी यात्री छी वो दूर दूर दिल्ली उल्ली बैठे भी आना रहेंगी। एक और खास बात ये छे कि ये जो एक गढ़वाल मंडल विकास निगम वाले एक नयू टूरिज्म ट्राइंगल डेवलप करियो वो छे कि आप कोटद्वार आओ। कोटद्वार से आप पौड़ी लैंसडाउन घूमो वो एक दगड़ आप एक भी आ सकते हो ताड़केश्वर भी। तो आप एक पूर्व टूरिज्म ट्रायंगल कंप्लीट हो जान। मतलब आप अगर आप उत्तराखंड घूमन जाना चाहो तो उत्तराखंड में पहल बैठे जो बहुत सारा ऑप्शन छी जो पहली बहुत पॉपुलर छी। उनके अलावा अगर आप तो कुछ नई जगह देखना चाहना चाहो, कुछ न्यूअर डेस्टिनेशन आप एक्सप्लोर करना चाहना चाहो तो एक आप यह खा सकते हो। किले की एक अभी का ज़्यादा भीड़ नहीं छे, बहुत ही शांत जगह में मंदिर छे। और सबसे बड़ी बात जो जन माहौल आप तो एक मिल दो और कख मिल सकल। तो आप एक मैं चाहूँ एक बार कैमरामैन सर मंदिर दिखा दे और एक बार हम वीडियो समाप्त कर दे। यो चापक मंदिर एक श्रद्धालु, ये एक दगड़ मां दूसरा मंदिर अंदर अंदर जाके भी दिखा दो। एक आस पड़ोसक माहौल देखो आप। यक अग्नि एक बहुत बड़ू मैदान भी छे। यो पूर्व मंदिर स्थल हनुमान स्वामी जी ये पूर्व मंदिर स्थल यक्ष तो एक आखिर बात मैं आपसे बताना चाहूँ छा वो ये चीज कि आप जब यह कंदो तो आप एक एक धर्मशाला भी छे, आप वक्त भी रुक सकते हो, वक्त भी आपका सुविधा छे। धर्मशाला में आप रुक ही सकते हो। यक एक कुंड छे जब आप स्नान कर सकते हो। पुरुषों और जनन युग है अलग अलग कुंड छे चल जब लो स्नान कर सकनी। मंदिर मान से पहल हाथ मुख धोए आप यक पवित्र एक आराम से आ सकते हो। तो ये सर सुविधा छी। मैं यार ये अनुरोध छ आपसे कि जब भी मौका मिले आप जरूर ये मंदिर में आओ। आप यख जो ये पवित्र रमणीक स्थल छी यथे देखो और खुश हो आनंदित हो। धन्यवाद भैया। आप इंटरनेट में करोगे क्या अपलोड?